मोले नू मोला ना मारे ते मोला कदे नहीं मरता। ओए कान खोल के सुनो ओए, किसे बचो किसा मेरा रस्ता डपने की कोशिश की थी ना, ते मैनू आपे रस्ते दा हर कंडा कढ़ना चंगी तरह आंदा। जिन्हें सड़न मत्था लाया है ना, उसने ईद तक चंद कदे भी नहीं देखा। मौले दिया मामिया, ओए तुसा बच्चों किसे भी हलने की कोशिश की थी ना, ते मुक्का मार के जीरू में लाड़ देसा। मासी चुप करके पे, बंदा तै गुड़ के सवार होंगे ना, इस समय सुल्तान रही बनने का बहुत शौक है, सुल्तान रही का मामा बन बैठा है, जरा बचाना कौन दे सर, मारो दे सर। बस बस जब तू तै पुत्रा बस चल 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 निकल आ गयो तू एक्टर बनना चल दफा हो कर ले चल। कदू इंसान बन सी हर पास रोजे रोजे दे रपड़े मेरे वास्ते। बस कर बेबे, मैं ज्यादा लहर ना चढ़ा, मैं दिलाक बोले ना ते सारे छाई दी छत हो जुलसो। झूठ पुत्रा, छाई दी छत हो जुलसो। अब चुपा, तू दस कि ए दुख कितो के ना है इतना सारा। बेबे ए एक नवी गल सोची, ग्राम विचो दुध 40 रुपए किलो के इनके ते शहर में 60 रुपए किलो बेचा। देख बेबे अगे कॉलेज में दाखला भी दे के ना है ना। ये तो ठीक किया आपने पुत्रा। ओ साजिद साहब, अब तो सं कॉलेज में दाखला ना केदा ते केरे कॉलेज बंद होने दा खतरे। अब सादियो केरे कम शम करो, कुछ रोटी टुकड़ा पैदा करो, गरीबां के लगी कालजा कूलजा नाल। मशोड़ा मैं कल दस सटे, मेरे नाल लंबिया ना लानी, किरे पानिया ना पावन तो दा। बस कर साज दिया, ए मुंह ते मसूर दी दाल, पता है तू जड़ा प्रोफेसर बनसी, पानिया ना पावन तो दा। मशोड़ा कदे ते लात होंदी है, जितना है वे उतना ही रह। इंशाल्लाह मैं अपनी गुरबत नाल लड़ पाछ के एक दिन जरूर बड़ा आदमी बन सा, हिम्मत ते मर्दा ते मदद ते खुदा इंशाअल्लाह। वाह पुत्रा वाह, दिल खुश कर छोड़ी, अल्लाह तुदा अपने मकसद दी कामयाब करे। पुत्र मेरियां दवाइयां ते तेरे नाल हैं, पर बचा एक गलां दा भू ख्याल कर सी, असां सिर्फ अपने रब दा आसरा है। तू तू अपनी मेहनत जारी रखी अपनी मेहनत बचा। इंशाअल्लाह बाजी, अगर तू सड़क दुआ में मेरे नाल है तो इंशाल्लाह मैं जरूर एक दिन बड़ा आदमी जरूर बन सा। नहीं बोली चलो नसो, तुसी सुनदे नहीं हो।
मेरे बड़े होते भ्राओ, मैं तुसों दा बहुत शुक्र गुजार हाँ जिन्हों सुन इतना कीमती वक्त कढ़े थे मां मिलने वास्ते आए। भाई इस पिछवा कब कर दे के रिश्ता दे एक रानिया दा अक बन दे आखिर तो पुत्र किस ते है मियां दाद मलक दा भुखा और तू चुप करके बैठ कर तू आर मेरे बोलदा रहना है। हाला जी मैं चुप हूं मेरे भी तो है ना मैं अपने पुत्रियां बिस्मिल्लाह करके पाले दे नसीबा नालो खादा ते चटिया ही नहीं मैं चंगी तरह अपने पुत्र तले थे कटे दे एवे नहीं लोग मुबारक देने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आए ने सिकंदर का प्यो इंतजार कर करके चला गया सिकंदर असा तो नहीं पता लग गया असि आ रहे हैं तो बच्चा तुम कदों अपने कामों का आसान दसते चाची असि अपने भ्राऊ मिलने वास्ते आए हैं अपनी बिजली करवाने वास्ते ना आए। चाची तुसा अच्छा नहीं किया मेरी बेबी की केस उतरे के रोला पे जी खैर तो है ना तुसा तमीज शमीज नहीं कोई बड़े नाल गल किंजू कर दे ना शिजा पुत्र ना जाते दिन इन्हें मैं गाल मिलकर समझा सा और तू नहीं समझा दे करमू काका ये जातक शातक दिन लफांगे इनसे देते नहीं। पाजी सफर करो हर वेले गुस्से विच रहंदे हो अपने भराए दा ख्याल करया करो। अच्छा कोई गल नहीं असि हुण इत्थे मलक साहब वेलकम करने आए नहीं ते तुसां पे दसा बदतमीज जे चलो जी उठो इत्थे वेलकम ना होणगे चलो निकलो। वाओ ये असल गर्दाई मामी दस माओ एक चीज है वाकई सच आखी बड़ी आला शाही जिस को आंदी उसी को आनी हो मामी दो यार राह बिच कोई ना पे दे यार तुसा तो यार आखर में भी हो दिलावर तू दे मिठू आंदी क्या उठो गलवार पकड़े ना को मिठू हूं तो मरी गया से शुक्र हो ना सायो तो खफा ना हुई साजिद शुजात भाई कुछ चंगा नहीं किया तुसा नाल। अच्छा इसका मतलब है शुजात भाई दी गल तुसा कोई चंगी नहीं लगी। हाँ साजिद मां बहुत गुस्सा आया पर प्रभु अगे बोलना वो भी शुजात भाई अगे। हाँ जी शुजात भाई क्योंकि ग्राएं दे खड़पैंच होए साजिद मैं तेरी गुरबत ते तेरी पढ़ाई ना लगन के लिए देखनी है ना ते मां तेरे ते सख्त तरस आंदा है पर के करा कर कुछ ना आती। चलो जी तू साड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी मेरा इतना ख्याल ते रखते हो मगर
ये ख्याल अगर सारी जिंदगी रखो तो बड़ा ही मजा आवे। हाँ साजिद, मेरे तनी पैवे ते यही गल है, अगे खुदा दी मर्जी। चलो इस गल दा वादा वादा। सुल्तान राय साहब की गल है, अज तुसां दी अदाकारी मुक गई? बस कर नाज़िया, मेरा फटा ते ओ लून ना पा। वाजद, दिल निका ना कर, ओ शुजात भाई ते एवें खड़पेंच बने रहंदे, तू खफा ना होई। नाज़िया, तुसी ते बड़े लोकां दी औलाद हो, असां अपनी औकात विच ही रहण दो, असीं कदे खफा होए नहीं ते के कर कैं सां। वाजद, पैसे नाल आदमी निका बड़ा नहीं आंदा, मेरे वास्ते ते तू ही बहुत बड़ी चीज है। ओ चलो जी, ना तो गरीबां नाल मछकरियां करो जी। मैं तेरी अदाकारी बड़ी चंगी लगती है। ओ सच आखनी है ना? हाँ, ओ हुण दिल ठंडा कीता ही। ओ सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह ओ लाला जी, क्यों परेशान बैठे हो, लगता बड़िया सोचा विच हो। हां तन्नू वेख के मेनू राइस आ गया, बड़ा ही अच्छा, बड़ा दिमागी परेशान जान दे बाद पूरी सुने मुश्किल तक। मैनू लाला बड़ा प्यार सी उन्हां नाल, ते मैं बड़िया फिल्मां वेखदा सां राइस साहब दियां, यकीन करो जदो उन्हां दा सुना ते गाफ रोड ते गया, ओ जनाजा पढ़न ओ चंबा हाउस नहीं हैगा, उत्थे ही नदी रिहाइश हैगी है। लाला ओ तुहाडी बड़ा जिक्र करदे हुंदे सन। मेरा बड़ा करीबी दोस्त, बड़ा करीबी, बड़ा कम, बड़ा निमाजी आदमी, बड़ा मतलब एक रहम दिल बड़ा अच्छा, वो भी याद आ गए। मैं उसके नाल कोई 30-40 फिल्म गल याद रखी इंस्पेक्टर, कानून 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 कदा कानून, उस वेले कानून किथे सी जिस वेले मेरी भैन की रूह सतमान चली गई सी। ओए, ओए जिस वेले आज मैं कतल किया ते कानून आ गया, जिस वेले गरीब इंतकाम लेने ते कानून आ जांदा, ओए जिस वेले बड़े लोग कतल करते ने कानून नजर नहीं आंदा, नहीं आंदा। वाह बस कर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी बहुत मिला पुत्र, मेहरबानी लाला तुहाडी, अल्लाह तेनु कामयाबी, ओ साडे लई दुआ करया करो। चलो बाबा, आशोपुर दे जगीदार जाबर खान दे पुत्र आशू ते हाकम ने गुंडा टक लाना शुरू कर दी, पंचायत में जिहड़ा फैसला होया सी ओहदे विच इह फैसला होया कि इह गुंडा तक नहीं जाणगे, ते अबा तेरे हुक्म दी खिलाफवर्जी होई है। ओ मैं पुत्र जज्बात ते काबू रख, मैं आप जावांगा। अबा एक दफा तू पहले भी गया सी, और मैनू माजू बनना ही पएगा, मैं वेखना एक दफा तू मैनू अबा हुक्म दे दे, फिर वेखी असम पर सारे जगीदारां दे पुत्रां दीआं लाशां दे ढेर ना लाए ते मैनू अचू नाक ले। जा
साजिद साजिद उठ वो तवा अवा साजिद सुबह कॉलेज आ गया ते आख के गया वेले नाल दूध पहुंचाने और जल्दी दूध पहुंचा खड़के ओ बेबी ओ मेरे साथ ख्वाब पे देखना है बेबी ओ फिल्म स्टार नहीं आसफ खान ओ फिल्म में मेरा प्यो बने दे तो मौत ही जुल के गुंडे हैं मार इतना सोना ख्वाब पे देखना है ओ बेबी बेबी इस तो बहुत पता नहीं रीमा भी ख्वाब में पे देखा और तो मेरी ख्वाब भी खराब कर छुड़ी है चप्पा हवा नहीं दुनिया जो कभी बार भी आ रहा कर तो सोना सुल्तान रही बने दया चल जल्दी कर दूध खा उठ के ओए कोई मैं दो दिया बस साढ़े कॉलेज दी छबो हर वेले चाय बनानी रहनी है कदे नहीं आहे लाले कोई चंगा जा कप चाह दे पिला छोड़ा अच्छा पाजी बेओ बनानी है तो देनी है ओ बस साढ़े कॉलेज दी बड़ा लेट पुजादी ओ बस साढ़े कॉलेज दी बहु लेट पुजादी आजा मेरे दिल जानिया मेरी चाह पे आंदी है शाबाश मेरी बहन वैसे पाजी आज बड़े खुश लग दी हां शबो जदों किस्मत का दरवाजा खुलता नजर आवे फिर बंदा इंज ही खुश हो मैं कुछ समझी ना ओए अले भी नहीं समझी है तो फिर कदो समझ से चली गई पर पाजी दसो भी ना गल के वे ओए चलिए इस गंदरा बारों इतनी रकमां के मिले आखिर किसे ना किसे तरह ते हासिल करनी है पैसे ना ते इना वास्ते कुछ ना कुछ राह भी कढ़नी पैसी ओ के आखते होंदे ढाई घड़िए दा टंगिया ते ढाई घड़िया तड़ता है पर शुजा दा टंगिया तू आसानी कहता पर पाजी छोड़ो परा क्या करनी है पराइया दोता शबो मत भूल के तू शुजात अली खान दी बहन है पर पाजी उस तरह के साथ चंगा नहीं कीता होना बेचारे नाल बस आज तो बात मैं तेरे मुंह ते गल ना सुना दिसी कौन छोड़ सही में ठीक है पाजी अच्छा गल सुन इतवारे ले धड़े ना सिकंदर ते उसके करेले दी दवा दे पर पाजी बस बस ज्यादा सैनी ना बन समझिए ना इतवारे ले धड़े बस छह सात आदमी दी रोटी का बाकी मैं जाना ते मलक बस साढ़े कॉलेज दी बहुत पुछांदी मैं आजा मेरे दिल चानिया मैं आजा मेरे दिल चानिया शुजात साहब तुसा जो शुभाना सुन इतनी मजेदार दावत करके जिदी खलूस का सबूत देता है अस्कंदर साहब वे किन चीज गल्ला करते हो जी तुसी संगी हो सांदे ते आखिर संगियां दा कोई ना कोई आता है सिकंदर पुत्र ये शुजात बांका तो बहादुर जवान ही नहीं कोई यारा ना यार ही सची तो सही मेरी ये मलकी इसी ने सिरे पे कायम है अच्छा ओ मलक साहब याद आया ये सिकंदर ने तो उन्होंने थू मुक मुका करके आ गए ना जी तो उनके सोचे थे के काम तंदा चल सी सोच तुम सा केड़ी का बोले तू है थी तूने कोई सोची मैं तो सोचता मलक साहब पर मैं भी थे किसी कारोबार का वक्त ना हवा मलिक साहब और मैं किस मरज की दुआ जी बस तुसी आपस में सलाह मशवरा करके ना जेड़े कमे ते हाथ रख सो वही कर सा बहुत बहुत शुक्रिया शुजात तो जी माड़ी गल सुनो तो प्राइवेट पट्टी डीलर का काम बड़े फायदे वाला है तो मतलब मैं आप ही बन जाई टंगी के बुशतान है बिल्कुल बुशतान है शुजात साहब पैसा नहीं तुसी फिक्र ना करो जितना चाहिए मैं आप दे सा
मगर एक गल का ख्याल रखियो कि इतने मां कारोबार का पता नहीं है, पर इतना काम करो कि उस कारोबार में पैसा लायो कि जिस पे दो चार पैसे आंदे रहे, समझ गए ना? अब तुसी फिक्र ही ना करो मालिक साहब, ये मेरा काम है। ते शुजात खान बड़ी चंगी तरह जानता है कि पैसे बिचो पैसा के जुगाड़। क्या गल हुई, पैसे बिचो पैसा करना बहुत मुश्किल है, मैं दसो मैं लखा चो लख करते रहना। अब तू ते चुप हो ना, निका मुंह ते बड़िया गल, शुजात पुत्र आपे बिच अच्छी तरह सोच के फैसला कर। के सिकंदर भाई फिर बाहर चले जाओ, मत इत कारोबार का कुछ हाल ही नजर नहीं आता। हाँ नादियो, तो बिल्कुल ठीक आखनी है इसे तो बस। ओ, ओ, सिकंदर साहब, मैं एक जबरदस्त किस्म की तरकीब आई है, मैं चाहना कि एक जबरदस्त किस्म का ना तेरी फार्म बना देना जिस पे कोई पंजी त्री मर्जियां हो, यकीन करो बहुत फायदे वाला काम है। आजकल तुसा पता है दुधे का क्या रेट है, 60 रुपए किलो, वो भी पानी पा के। यार शुजात, ये मेरी मर्जी नहीं कर चुकी। अच्छा जी मलुक साहब, और दूध के लिए खुला होती आते बुढ़े होके अंदरा और ले। अच्छा गल सुनो, मैं दसो कि खर्चा कितना आती है। वही कोई 25 लाख रुपया जी। अच्छा, कोई इतने पैसे नहीं लगते मलुक साहब। खैर खैर, कोई मसला नहीं, तुसी ये कल ही काम शुरू कर देना, अगर बड़ा बनाया फार्म मिल जुले ना तो और भी अच्छा हो सके। बस मलुक साहब, तुसी हुण फिक्र ना करो, ये सारा काम हुण मैं आप सुना, समझ आई ने ना, मैं नौकर हाँ। तो सब अच्छा बचो, हमारी गलत शलां तो हो गई, तुम्हारी गल शल मत मोके हमें इजाजत के ना शिजाज भाई चलाओ अस। ठीक है मालक साहब, अल्लाह ने वाले बड़ी मेहरबानी जी, तुसी बहुत शुक्रिया। अरे शिजाज भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी हुई है जी तुसी आए। और रब सत्ता ही खैर करे, ओ आ गयो सोने ओ ठा करके। चुप करो ठा करके दिया पुत्रा, जिथे देखो तुड़ी एक पुंग लगी रहें दिये, तिया पैना नाल कोई इस किस्म दी गल कर दों दे। हटो है मर्चोलिया, ती में अपने अबू दी पैन में तेरी इसी थी में कुछ और। ओए होए 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 होए, मैं तुड़िया नमाजा पढ़ा ते तू मरे मुसले उडारे, कुछ और है ते कुछ और पाई हमे ना मां की है। ओ सदके जावा कुछ और तो, ओ अगे भी गल चलाओ ना, ओ मेरा मतलब है वे के चाचिया मनाओ ना। ये गल तुसी आप ही चलाओ अदाकार जी। फिक्र ना कर, ओले गल मैं आप ही चलावांगा ते तेनु अगली बनावांगा। अच्छा सिकंदर पुत्र, मैं आज निकल चुका। अच्छा क्यों, कल आयो मामा ते आज? ओ पुत्र क्या करा, बदकिस्मती नाल सरगो दे भी जमीन चाके जिए ते लमे लांजन ते हुन करना पैंदा बंदे आ। बदकिस्मती ओ माल्टे दे किनू भी तुसी खांदे हो, इस भी बदकिस्मती दी केड़ी गल है, ओ तुसी तो खुश नसीब हो, मुरब्बियां दे मालिक हो, बाव हुन तुसां दे। किची 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 किची, ओए गिल्ला गिल्ला, ओए गिल्ला गिल्ला, सोने लोक बेवफा, ओए गिल्ला गिल्ला। मामा ये भी मेरा दत्तपोतरा भरा वाजिद, जिसके बारे भी तुसने मैं तफसील ना दसाया। अच्छा क्या बुरा होए, वो तेरी हिम्मत किस तरह आई हो, तू मेरी पांडिया ब्याह करना है, और मैं जब बड़े बड़े सिद्धे की थे और तू चीज क्या बनाती है कर।
तुदा मामे की गल समझ नहीं आई। निकल इतो, मैं आखना इतो निकल। सिकंदर निकल। ना खुदा किसे डड़े रहे ता आचाड़े तुदा ना जी कोई मोह जाता से। मामा पैर करी हो दाद तक पता लगे अजे तक तो उन्होंने कोई पता नहीं लगा नंबर भी बांधे आज सिकंदर आप गए ओ भेने तू तसली रख देख मरो की जात है हो सकता है किसी कारोबार वास्ते गए तो हुए खैर उसी अल्लाह रहम कर सी कभी कोई ये जी गल हुई ते ऐसी कैसे हो गए तू बेराम रह पैन करी हूं ये मौका ते नहीं गल करने दा क्योंकि मैं दाद ला होंदा ते सोनी गल होंदी पर फिर भी मैं एक निकी जी गरज के निकी आई हूं कभी आखो कि मैं तो सनन गल करा ऊपर जाइए अल्लाह मेरे भराओ ना खैरी नाल कहना ने ना ते अल्लाह दे हुक्म नाल मैं आप भी उस नाल गल करसा इंशाल्लाह तुसी खोल के गल करो गल के वी देख क्रीमो पैर अपने अपने हुंदे ते पराए पराए हुंदे ते तुसी ते फिर साडे अपने होना अंत ते बड़ियां खुशांता हो रही हैं पहले ते कदे ऐसीयां गल्लां नहीं कीतियां ने अब पैर मेरिए असी ते पहले भी ऐसीयां गल्लां कर रही हैं वो अलग गल है कि असा गरीबा मस्कीना दी गल्लां तो सानू समझा विच नहीं आई देख पर जाइए असी तेरी बची अपने घरे की इज्जत बनाना चाहते हाँ भैन अपने वाजिद पुत्रे वास्ते देख भैन माशरे विच असा दा एक मकाम है असी तेरे लोफर ते लफंगे पुत्रे रिश्ता ना दे अते देख भैन असी ते तुदा अपना समझ के तेरे को लाए पर तू असा अपना ना समझा बस नसीबो बस कदे लोफ हो रहे ते साडा गंदक लोफ हो रहे ना ਉਹ ਬੜੇ ਬਡੇਰੇ ਕਿ ਆਖਦੇ ਬਾਂਹ ਭਾਜੁਲੇ ਤੇ ਗਲੇ ਆਂਦੀਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣੇ ਆਏ मेरे प्यो ने पंचायत के फैसले की बाकी कटो गुना तक नहीं आएगा तू मेरे प्यो की हुक्म की नाफरमानी की नाफरमानी की सजा तेन जरूर मिलेगी और मिलेगी और छो मैनू और छो आज तेरे डेरे ते आके ए भी मैनू पता लगे के तेरा रब्ता वार मुनकरों नाले होए वो ऐसे ही के तेरे सामने गोरा बैठा है गोरा Keep quiet nonsense stupid What do you think about me nonsense बादशाह ने तू डेरे पे है बादशाह ने डेरे पे कोई बच के नहीं जुलदा ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਚੱਪਾ ਸਤਰੀਲਾ ਸਕਰੇ ਜੋਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਸੜਿਆ ਤਾਂ ਟਿੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਉਹ ਬਗਰਤਾ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਗਰਤ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਾਫਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚਲੋ 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 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਂ 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 ਬੇਬੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆਖੋ ਚਾਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਿੰਨਿਆ ਤੱਤੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ
बस दे दे, मैं तेरे नाल वादा करना, मैं अदो तक शादी का ना ना कहसा, जद तक मैं बड़ा आदमी बनना जुलता, मैं और शादी का ना कदे ना कहता। साला जी देखा ना फिर असा सिकंदर साहब का कारोबार चला छोड़े ना, वो क्या आते उन्हें साढ़े नाल ड्रेसो ते बन ठण के बैठो बच्चा ठीक है हमें तू, क्योंकि तू बाकी यारा का यार भ्रावान का भ्रा है। शिजात पुत्र दुध ते क्यों असा बुढ़े आस्ते भी बहुत ताकत वाली शह है। क्यों नहीं मुल्कानी जी, वो क्या आते होंगे गुल्ली किश्ती ते ग्याना किश्ता। बस तुसी हूँ अगली गल दसो चो क्यों सिकंदर सही है गा सुनो हूं दुध के वेदी तो कमी ही नहीं रही, मैं बाड़े गया मंजे ही मंजिया ने दुध क्यों तो एक पास साढ़ा 150 तो रोज गुआ भी बिकती क्या कोई मसला नहीं, यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਐ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਨਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਓ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ मेरे बिच ते गाइयां मंजियां चराने वाले च के फर्क है फर्क ते कोई नहीं पर तुसी ते वकालत दे स्टूडेंट भी हो ना ओ गल ते ठीक है पर मेहनत मजदूरी बिच हां हां पता है मां कर मजदूरी ते खा चूरी शबाना तू दस तू अपनी गल्लां ते कायम है ना ए कोई डराने वाली गल है पर ते किसी बड़े बड़े रहे ते मेरे घर भेजो ना ओ गल ते ठीक है शबाना मगर तेरे भ्राऊ को डर लगता है भी मोह फाटे करे कोई लोकी पारी ना आख छोड़े तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं मैं है ना मैं पूरा पूरा साथ दे सा तुसा दा सच चल अब मैं तुरा तले तक छोड़ा हूं चल सोनिया
तुम्हारे
अस्सलाम वालेकुम शिजात अली खान। वालेकुम अस्सलाम, आओ करम दाद काका। वालेकुम सलाम शिवा मासी, ठीक है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, आप भी बड़ी दुनिया, ठीक है ना? सलाम नविता जी, और काका ठीक हो? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। शुक्र है। शिजात पुत्र, असि तो सानी बराबरी च ना कारक दे, पर ग्राई होने के नाते एक दूए के आस्ते कारक ने। के मतलब है नसीबा मासी, मैं कुछ तुसा दी गल समझा ना? ओ शिजात पुत्र, कदे इस नेक बस्ता गल करने दी गत आंदी हो गया ते अज असी इथे आवा? ओ जी कौन आ ते इथे आवा, तुसी ते उधर किसी जई पहुंचे दे आवा। बस करो, तू के अर्थ देखा दा चमचा बना रहे ने, जल जल के अपना काम कर कोई। ओ शिजात साहब, आज मैं बड़े है मसले पे बड़ा बडेरा बन के आया, जरा ख्याल करियो। अब चुप मरचोलिया, जेदा ना ही ते ओ जई पैड़ियां आता नहीं। ओ दरअसल गाले वे शिजात अली खान साहब, साडा पुत्र साजिद होण कुछ बड़ा भी हो गया, इत्थे नाले उस वकालत ते इम्तिहान विच आ रहे थे। के मतलब है? ते उस इम्तिहान च आते ते मैं की करा? शिजात पुत्र, जिथे माखी होवे ना उथे मक्खियां आंदियां रहंदियां। के गल है मासी, ए के पी बुझारदा पानी है? खुल के गल कर, के गल है? खान पुत्र, मेरा दिल करदा शिबाना अपनी धी बढ़ा के ना, ते हो ना अगर लिसियां मारियां दी भी ते कोई। बस बस सुगो मासी, जे होर गल कीती ना ते फिर शिजात खान पुत्र, असी तेरे ग्राही नहीं आवा ते तेरे गुआंढी भी आवा, इतना गुस्सा चंगा नहीं होता। उठो आयो, हाथ साड़ी अपनी चुरप कि तुसी चुप हो जाता रिश्ता उस दो टके ते दो जिया वास्ते मंगो। हबू आज चला देना, हो देख लो तो हे ना वे ढाई घड़िया का टंगया, ढाई घड़िया तरफ है पर सजा दा टंगया तू आसा नहीं किंदा। शिजात अली खान, कारोबार ते माशाल्लाह खूब चलने लग पे। जी मालिक सर, ताया साड़ा जड़ा है ना, वो मेरे घरे ते पूछ कर लांदा है, मेरी गलन समझ गए ना? मलक साहब एक गल दसो ने, उस तेरे मेरे को ना मार खा के चलो ना, पर मैं ते तुसा दे करके चले। अरे देख किंदे बंदा टेन नाल हट कर चंगी लगी। ओ फिर ऐसे देख के समझ साहब, वास्तव ना पीले दिन मौत आवे ना तो उस नाल पर लग जुड़ गए ते शुजात, तू कदे मेरी एक गल मन के नहीं, मेरी गल समझ ले ना। तो सो मालक साहब, अमीर जी क्यों उसका मेरे पुत्र ये गल सुनो, ठीक गल है पुत्र, मैं जरा कुड़िया ना लगी दी है यहाँ। अमीर गाले वे के तुसन तो पता ही है, अबू नहीं भी गिरे गए थे, और कोई भी अहम फैसला होवे ना मैं तुसन तो बगैर कोई गल ना करता। मां तेरियां यही गलां चंगियां लगियां पुत्र। अम्मी वो शुजात तेरी गल, मैं भी हुण यही चाहनी हां कि तेरी ते शुजात दी शादी कर छोड़ा। क्यों शुजात पुत्र? जी बलकाने जी, तुसी ते मेरे वास्ते बुजुर्गां दा दर्जा रखते हो, ते नाले तुसां दी गलां मां के इतराज़ हो सकता है जी। ठीक है पुत्रा, मैं इसी महीने दी कोई तारीख देख के दिहाड़ा रख छोड़नी। ठीक है मुर्गा जी। Thank you.
ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁਲਦੇ ਮਾਂ ਆਟਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜੁਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੜਕ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਫਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਸੋ ਹਾਂ ਬੋਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਇਸ ਘਰੇ ਦਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੜਪੈਂਚੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੀਬ ਕੱਪ ਚੜੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਸਫਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰਹੋ ਚਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜੁਲ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਾੜ ਬਸ ਜੁਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰ ਨਾਦੀਆ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੁਲਕਾਣੀ ਜੀ ਨਾਦੀਆ ਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝਾ ਛੋੜ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੁੱਟ ਸਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ
मकबूल वांगू पई जींदियां तई वदी लिख से दर्द गजल विच कमली न लाए धिया ए खान तसानो दिल उच्चिया दुकाना ते फिके पकवानो दिल कमली न लाए धिया ए खान तसानो दिल उच्चिया दुकाना ते फिके पकवानो रिश्तेदारी बरादरी दे काबल ते तुसी पहले भी नहीं हो हुण ते ग्राएं दी ग्रां वाली वी साथ छोड़िए ए उस तड़े जाए ते क्यों नहीं आए ओए आज पूछे करो बह ते ना आए असा नहीं मर्जी है बह ते आवां या ना आवां बल्ले भी बल्ले हुण ते तुसां दियां मर्जियां चल सन ग्राएं पे ओ शजाब खान ते ते मिट्टी पै गई ना फिर दिल ते करदा तेरे दल बार छोड़ा शजात एक एक कला देख की बदमाशी शुरू कर छोड़ी है आहो अखे निकामिया ते निकामिया बड़ा मिया सुभान अल्लाह जियो ना तू दाते मैं आसमाना ते लौंडाया शुक्र है तू जमीनी ते ही था गया मेरी गल कान खोल के सुन के नहीं तेरे नाल असी शराफत कर दे रहे हैं बातां भी नहीं पाई दियां ते फिर बदमाशी करके दस दिनो दसो बदमाशी मां देख मैं शराफत ना लाख नहीं इतो चला जो वरना मैं इतनिया मासी कदे तक याद कर से चल चल पकड़ो साहब मैं बड़ी बदमाशी शुरू की थी बहुत कर में काके जो पुत्रो आज तू सन दो प्रहार नाल के मेरा राट अके ना ते मेरा नाम ही शुजात अली खान है क्यों गए ओ गाल सुन ओ बाजी उस लोहे दा मुका रख दे लोहे दा मुका मार छोड़ मां चल बाजत चल चल मैं देखना कि कितना खड़ता है जी और ऐसा ऐसा मैं देख के इंसान ओ खड़ा पुछ दे और तोरी और की गल है तुहानू कह रहा किन्नी देर तो कम नु छेती मुकाओ मैनू ओ पानी पियाओ मामे दे लई लस्सी ले के आओ जल्दी आओ
ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਕਾਵਸ਼ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨੀ। ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਕਾਵਸ਼ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਫੜ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਗਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਓ ਮਾਮਾ ਓਏ ਗੁਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੋਆ ਪਾਸਾ ਮੌਤ ਮੌਤ ਲੁੱਟੀ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾਲ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਓਏ ਓਏ ਬਾਮਾ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਮਾ ਓਏ, ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੌਲਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਖਲਸ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਓਏ ਓਏ ਤੁਸਾਂ ਸੁਜਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਗੁਜਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਖਾਬ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵਜਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈ ਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਪਰਨੀ ਮਾਰਕ ਸੀ। ਮੁਝੇ ਕਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਲੀਆ 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 ਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਾਲ ਬੇੜੀਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕਿਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕੋ ਖਰਚ ਕਰੇ ਕੁਝ। ਹੋ
ये जंगल और ये हीरा। देखे जी ना माजूदा कुमार, वो जब तक मौजूद ही ना तेन मैलियत ना कोई नहीं वेख सकता। कीने 101 भी आंदा ते मैं उन्हें लुक नहीं छड़ा सी। तेरा बंदा जिंदा है। गलत ऐसे दफ्तर भी पिका रखते हैं पर मैं सोचा क्यों ना बेहतर माहौल में आगे सामने पता ही है कि मैं फिल्म काफी दिनों कर रहे हैं। यूनिट सारा मेरा बैठेज है तो अभी कुछ ज्यादा फिल्म मेस लोकेशन से शूट कर रहे हैं और इस क्राइम में कोई दूजा यूपी ना आता तो इसके बारे में मेरी कोई मदद करो क्योंकि दहशतगर्दी के बारे में इन्होंने कोई ऐसा गल की है कि जी तुम शूटिंग जारी नहीं रख सकते लेकिन मेरा तो बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो मैं आखा तुम्हें सवाल है मेरी कोई मदद करो। ठीक है सर, ठीक है मैं इस सारी फाइल की स्टडी करके सर इंशाल्लाह तुम्हें कल परसों मुलाकात होती तो मैं सारी सिचुएशन तक कर सकता। अच्छा सर वो साढ़े नाल गल करनी है वो मेरा भरा भी ड्रामे काम करने का बड़ा ही शौकीन है अगर काइंडली साड़ी फिल्म में चाहिए जो कुछ मोटा चांस हो तो सर जरा ट्राई तो करो। हाँ क्यों नहीं सर यही समझो आप हीरो भरा पे फिल्म करता है इस तो पहले मैं बड़े बड़े हीरो बनाए ये तो घरे की गल गल ही कोई नहीं कहो मेरे को। ठीक है सर मैं उसका कल कहना सर जी हाँ जी तुम उसका देख के नहीं हो अगर वो साढ़े किसी किरदार में फिट होता है तो साड़ी बड़ी मेहरबानी है। सलामकुम सर, सर मैं जब नीना होटल पहुँच आया तो मैं बाहर बैठा था। अच्छा जी ठीक है ठीक है। बड़ी तारीफ की थी उसको
अच्छा कल फ्राउ तेरे साजिद ने मां तेरे बारे तफसील नाल दस्या है जरा देखने भी तो एक्टर लगने भरा तेरा तू चंगा आदमी है तेरी बड़ी मदद की और बड़ा लायक वकील है तू मैं ये दस इस तो पहले भी कभी तू नकारी की ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜਗਾ ਛੜਗਾ ਖਰਾਬ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸਾਥੀ ਐਕਟਬਾਦ ਦੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਹਤ ਅਫਗਾਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਹੈ हीरो बख्शे सुलतराई है वो फंड का बड़ा समुंदर है मैं उससे बड़ा फैन हूँ अच्छा अच्छा तो फिर और कुछ करके दस ना उन्हें पता लग जाऊ कि पानी है जी करके दस ना जी सर इजाजत है थाने दारा एक गल याद रखी होए कानून कानून कदे कानून दी गल करना है ओए जिस वेले में कत्ल कीता ते तेरा कानून आ गया ओए जिस वेले मेरे भैन दा कत्ल होया सी ते मेरी भैन दी रूह सत्त आसमाना ते पहुंच चुकी सी तेरा कानून मैनू नजर आया ते आज मैं कत्ल कीता है ते तेरा कानून नजर आ गया वाह यार तू तो कमाल कर छोड़ी और तू तो बिल्कुल सुल्तानाई नजर आ रही हां कहां बैठ बैठ शुक्रिया बहुत मेहरबानी सर तुसी सां मेरी फिल्म में तेरे चाहते हो बाकी इतनी सुंदराई की मां झलक नजर आई वजह तू सुबह ठीक 9 बजे से पहुंच जाए अगर सुबह जनाब ने ठंडी रिकॉर्डिंग दिल्ली तू तो ना ले जा ठीक है ना तू बेगम हो जाए इंशाला तू तो मैं आसमान दे चाहता इधर आ जाए फिर है जगह भी है हाँ हम भी इधर ये है जगह डांस की भी और सारे नीचे आ जाओ भैया कुछ चेंज तो हो जाएगा ना विनय पांच का कर लो अरबास को राउंड आवे कर ले के जल्दी हाँ जी अपना आपने रखे भाई देखो गंदो यार ये गाने ना ना आज क्यों परेशान बैठे हो बस माने तो सौ दुख होते हैं सौ परेशानियां होती हैं कली जान होती है बंदा के करे अस्सलाम वालेकुम जी मैं तेरा ही इंतजार करना है
मुंह देर लाई आ जाओ और क्या हो मेरा संगिया और सुना ना क्या नवीता जी ये कह रहा है लोगे देखने ए वलायत खान मेरा बचपन का संगी है समझे ना आज बड़े दिन बाद असल मुलाकात हुई है जोल कुछ चंगी जी चाह पानी दिया ना सस्ते जी हाँ और वलायत खान फिर सुना ना क्या नवीता जी जाद अली बह भी करके दी आखा नहीं आ बाबा वलायत तू साडा जिगरी यार है असल का ब्याह हो तू का ना बुलावा एक किंजू हो सकते तेरे तल में भेजा है बंदा पर तू ना देने किड़े अगे पिछे है बस एक ब्याह एक डील ही समझ सर मैं तावला तावला काम का है समझे गल डील ओके वो गल सुन पहले ये दस के कुछ पैसे शैसे कमाने का भी दिल करते ही के ना पर किसा दिल नहीं आता हूं जायज तो जानसर है अब लेते आप जायज ना छोड़ बस हूं जानसर है ये दस अजकल करना के बस यार बकरे शक्के ने व्यापार करते रहना पर ठेके शेके भी लगते रहने अच्छा अच्छा वाह भाई मिले थे तू तो इसका मतलब है चंगा पला आप मालदार हो गए पर मैं एक ही अंतर हाँ बुलाते पर मैं और कुछ करता लेकिन उस सस्ते माँ तेरी कुछ मदद चाहिए दोस्त मेरी क्या मदद पहली गल तो ये बुलाते कि आज तो बाद तू तो मैं अब तो वे पार्टनर फिफ्टी फिफ्टी दूसरी गल है इस गलों पर पका रहे जरा होशियारी ला क्योंकि सब भी मरना है तो सोटी भी बचानी है चल यार तू तो मेरे तो अखबार है ना अगे गल कर पक्का अखबार है तो गल सुन तो फिर सुन असली तो सच्ची गल बड़ी मुश्किल ना सिकंदर ते उसके प्यूआ में काबू मिले तुम्हें पता है ये सिकंदरा बड़ों बड़े पैसे खिंच गए सही ब्याह भी मे से कर सुना भी है क्यों ना था सारा कुछ अपने मुठी मिस करा है ना क्योंकि तुम्हें तो पता है ढाई घड़िए दर डंगया ढाई घड़िया दर डंगया शजात अली खान दर डंगया तू असा नहीं कितना हाँ हाँ अगे दस आवाज दस नहीं हो बस यहाँ पे लेते आप हूं तेरी मदद नाल दो त्रै काम करने उस तो बाद बलैता खान ते शुजात खान हो सन सेठ ते बेचारे मलक उन्हां दा लिया पर यार घर की दस ना ते फिर सुन भी लेते आप मैं मलका भेजा त्रिया चुना देने वास्ते कलूबा पिछो मेरी फलम दिया मनिया संभाला तेरा काम है ना क्या आखसा अब आके आखसा वो एक गल कोटू का ना सुने दी आखसा हो गए गल कोटू सारिया मंजिया मर गया तो कमेटी आले चा के किन गए असा के पता है वाह जी तकरीर ते बड़ी चंगी है वाह अगली भी तो सुन ओके दादा जी ऐसे तुझी नमिया गला ते लाग गए हो अल्लाह हैर ही करे बस आओ बस ज्यादा यारियां नाला चार रास्ते जुल अगली गल है वे मिले त्या कि तेरे प्राव नाल जमीनी दा सौदा पंजाब के नाल जमीनी दा सौदा ते गल सुन पैसे तेरे ते मेरे समझे ना ये कुछ समझे ना अब चलिया वह चलिया सेना बन दौड़ के आ गए गल सुन असी सौदे तो पहले उन्होंने सारी गल समझा उधर इंतकाल होसी उधर असी शुफा ठोक सोसा के समझे हूं ठीक है ना गल बन गई है कौन सेना होना है आओ ले क्या फिर इसे गला दे तुझे यशी करावा के याद करते हैं इधर इस कमरे में चुनने सलाम अलैकुम जी साहब आइए आओ माजू बुलाओ माजू तो इसके बड़ा काम पड़े ना फिर बस अजी साहब रिकॉर्डिंग से मैं जितना है तुम सब तक छोटा जा काम है मैं खतरा अजी साहब मिल दिला हाँ यार उस दिन अब ड्रामा के मैं देखा है और तुझ पर क्या छोड़ वही दस के किस क्या है अच्छा मां दरअसल में जनाब बादली साहब से एक नाम का प्लाट चाहिए
अगर मिल जुले थे आए रब वाजिद जड़ा बाद की शायद थे नहीं है कोई प्लाट थे हाँ अभी बोला कलोनी में चेहरे में लगता है हाँ अच्छा अभी बोला कलोनी वाली शायद थी बड़ी अच्छी है चलो ठीक है तुझे इस तरह करो ये मेरी सुन तू बहना दे जो ना थोड़ा जाए वाह नहीं वाह तू रहने दे वाजिद वो तेरा प्यो मेरा लंगोटिया जा रहे हैं यार तू पे मरी पे अरे तू ही दस के फिर कल मिले आशित तू मैं पार्टी ना गल कर बस अजीजान मैं किराया का रिकॉर्डिंग से बिजी हाँ मुंसेरे पे जुन्ना लोरो टीम आई थी बस मैं जो ही फारक हो सा ते तुसा को लाज तुसा फिर चले जे तुसा ते हुन मैं तुसी इजाजत तो अच्छा यार क्या मैं तेरे फोन करना चाहते हैं तेरे मनावा रहा यार अच्छा बात ओ सुनो ना ओ मिले हैं जो सारे कार्डन का टाइम है ना मेरे दिल में मंथेरे जुन्ना है ते क्या तो सुनो ना उधारी नहीं ठीक है उधारी हाँ अच्छा ओके अलग बात अच्छा ओके अच्छा ओके लाओ दूसरा काम करना है ठीक है मैं काम करके ना तू काम कर हेलो अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब क्या हाल है ठीक ठाक हाँ बस कुछ मसरूफ है यार तुम्हें पता ही है ना चौबीस घंटे मसरूफ हाँ अगला प्रोजेक्ट मुक्ता नहीं दुआ शुरू कर गए हाँ यार वो दसना है यार साजिद साहब कि वाजिद ने तो कमाल की थी यार ओ मैं आखना उसकी अदाकारी की वजह तो मेरा ड्रामा हिट गया है और अज की कार जी मैं आखिर तुम मैं मुबारकबाद चाह दे हाँ बहुत मजा आया यार साई साहब हाँ तुसी ठीक आते हो वो बंदे दे अंदर जोर होन ते तां ही कुछ होंदा है वो खाली सिफारिशां नाल काम नहीं होंदा लेकिन इसी एक गल मैं बड़ी पसंद आई है हाँ कि बहुत ही सादा फनकार वो आखदा ने कि मैं जदों ग्रां जुलसा ते मैं अपने उही सादे कपड़े पासा ते ड्रामे विच ते शहर च पैंट शर्ट पासा तेरा जी बहुत सादा ते बड़ा ही अच्छा है बहुत अच्छा फनकार ने बड़ा दिल खुश होया वैसे इसको काम करा के ठीक है फिर जब इंशाल्लाह हफ्ते बाद आसा ना रिकॉर्डिंग ते मैं आ रहा है तो फिर बैसा गप शप उसी ठीक है अच्छा हाँ ठीक है फिर इजाजत दो जी ओके जी ओके ओके अल्लाह हाफिज चली चलो अपने माँ प्यो के करे ते उस वेले मुड़ के आई ना जब तेरा दिल करे तेरे माँ प्यो ना मेरे हस्ते ते मुसीबत ही बन गए शुजा मां ते नहीं समझ आंदी तू अजकल मेरे नाल उखड़ा उखड़ा क्यों रहंदे मेरे माऊ पे तेरे नाल मंदा की कीते उन्ना ते तू दा डरा बड़ा के रख दे वरना तू हाय अल्लाह के गल हो गई है के शोर पेदा है शुजा तो नहीं के करे भाई म्यूची नहीं हो गई है लाने पर आओ मलक साहब और बस ही ऐवे लगी रहती है जी अच्छा इन्हें गलान छोड़ो ते जी नवी मुसीबत पै गई है इसका भी कुछ पता है ना जी मां तो कुछ पता नहीं क्यों है वो जी जमीनी के लिए बुलाते थे भरावों को बुलाते उस तो शफा कर सोए ते होनी नोटिस मिले अच्छा अच्छा और कोई गल नहीं जी देख इंसान मां के देख इंसान बस अल्लाह तुसी फिकर ना करो ये सुते होंदे रहने ने आपे मुकदमा करके ना मोड़ के सब बस थोड़ी जी खर्चे की गल करके ना और शुजात पुत्रा तो खर्चे की गल है तो मेरे को पैसा भी नहीं रहता पैसे कितों आने सब तो लेके कर मालक साहब हूं मां क्या आते हो बचिया कुछ करना तो पैसे कौन बुआ भंदे पिया कुछ मेरा कर्जदार तो नहीं आ गया चलो देखो अच्छा जी
ਬੁੜਿਆ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਮ ਸ਼ਿਲਮ ਪਿਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੀ जी तुसी ते इत्थे डेरे दे के गल है मेरे घरे दा राह भुल गए हो या मेरी ग्रह विचो नसने दी कोई खबर चल गई है मैं जथार आदमी इत्थे डेरे दे मेरे मेहमान होदे मैं घर गई हां ना ते घर तू नहीं है ता मजबूर होके डेरे ते आई हां अच्छा ते फिर ए जी केड़ी जरूरी गल है जड़ी इत्थे जल्दी करनी पैदी है परसों मैं ते मलक साहब तुसा दे घर गए हैं ना ते अचानक तुसा दा फोन आ गया कि मैं आप आना घर ते तुसा फिर मुड़ के आए ही नहीं हो ते फिर मजबूर होके आई हां ना तेरे डेरे ते बुलकाने जी मजबूर ते आज डार बंदा हुंदा है जा पुत्र परेशान है वकील करना है पैसे चाहिए ना मुलकाने जी मेरी भी कोई फैक्ट्री अभी नहीं लग जाए लेकिन एक सूरत है वे कि तुसा मकान किसी रहन देवा ते पैसे किन देवा ने बाकी ते मां कोई राह नजर नहीं आता क्या ते पुत्र जो भी करने ही आज ही कर परसों तारीख भी है अच्छा अच्छा ठीक है मेरे सामने बस दुनिया कहने की जरूरत नहीं शामी पैसे किन के मैं तुसा दे घर आसा मकान मेरा आया समझ आई ने ना बस आऊं गुण चक लो तुसी ते एवे ही दिल छोड़ बैठे हो परेशान होने दी जरूरत नहीं अल्लाह बड़ा करसात है कोई ना कोई सबक पैदा कर ही छोड़ती पर शबाना मैं परेशान इस गल पे है कि इतने लोग सच क्यों नहीं आते प्रत सरत के एक ही दुए ते क्यों सटते ऐसा लोग क्यों परेशान कर दे चलो तुसी ज्यादा ना सोचो अल्लाह सब अच्छा करती पर शबाना तेरा क्या ख्याल है कि ये शुजात सुन जो कुछ कीता है चंगा कीता है उधार सुधार ते लग्या रहंदा है उस जालम से इतना भी नहीं सोचा कि मकान लिखा के ता पैसे देते चलो खैर उसका कुछ बन जुले असंदा अल्लाह मालिक है तुसी हुन आराम करो ज्यादा सोचो ना वैसे जिस तरह तुसा कीती है ना इस तरह कोई गैर भी नहीं करता नसिया तुदा मेरी आदतों का पता है ना मेरे को मार ना खाई तू चंगे लगते नहीं ना ते चली जो उन्होंने कोलो थी उठे चली गई ते ता केड़ा आसमान चाहे जुड़ सी इस बेस्ती कोलो बस बस मर लिया अपना चढ़ा अच्छा हम वैसे भी उन्होंने कंगले कोल के रह गए मैं अपना मतलब करना यार सच्ची गल दसी हूं ते मेरे हस्ते तू ही कोई मेहनत नहीं रखनी है चल अल्लाह कौन इस बंदे ते मेरे नाल नीचे गला प्यार कर दे नजिया मां को दुनिया सुनने की आदत नहीं
आज तो तेरी मेरी खत्म। मैं तुझे तलाक देना, तलाक देना मैं तुझे, चल दो। मैं बड़ी ज़्यादती की थी सजा दिया गलां में चाह के मैं उन्हें मनिया में बेच छोड़िया। मैं बड़ी ज़्यादती की थी या अल्लाह मैं लालच भी जा गया, मां माफ कर छोड़ो। मैं होनी जुड़ के साजुता दसना, मैं दसना साजुता, मैं होनी जुड़ के दसना साजुता। मलक साहब, मासी बाहर निकलो, ये संभालो अपनी लाडिया। मैं ऐसा तलाक दी, तलाक दी मेरे साथ। अरे मैं लुटी पट्टी गई, अल्लाह का कार पैरे तेरे थे, अल्लाह तेरा खाना खुआर करे। अरे मेरी तू ना जुलम की थी, अल्लाह गर्क करे तुदा। शुजात अली खान, लगता है तू भूल गए कि तेरी पैर भी मेरे कार है। बस आए मलका, बस ना ते हों तेरी जखम ना अपनी छोड़ा, बस ठीक है शुजात अली खान, खर फिर इस सोफिया भी अपने नाल। मलका, तेरी मलकी ते मुक्ति ही, बस हों एक कम रह गए कोठे में जो कटा फुटपाथा से बात छोड़ा। ये तेरी फोल है शुजात, तेरी फोल है कि मलक सिकंदर इतना बेगैरत भी नहीं, इतना कंगला भी नहीं कि चेहरे जिसे गद्दार और कमीने इंसान आ दोबारा मुंह लाओ। दफा हो जाने दो, कोई सलत रखना नहीं चला, बस। बड़ी मेहरबानी, ए तुसन दी वजह तो जो कुछ भी मैं आवा तुसन लोकां दी वजह तो आ। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हेलो जी बेबे जी, हां जी अल्लाह दा शुक्र है मैं खरीयत नाल आ, ना लाहौर ते ना इत्तबाद आ गया। हां जी कोई ट्रैक दी रिकॉर्डिंग है? खैर ते है। अच्छा, हाँ नादिया ना बड़ी ज्यादा हुई है, मां साजिद भाई दसा है। बहरहाल चलो जो कुछ नसीब भी लिखा होता है वो कुछ ही होता है, तो इंशाल्लाह मैं बस रिकॉर्डिंग के आते हो जरूरी काम। अच्छा उठे आसान दे दसो, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो बाद जो ही फारक होया तो इंशाल्लाह मैं आसा इंशाल्लाह। ओके खुदा हाफिज़ बेबे जी। ओ मलकियानिए तुदा सौ सौ मुबारक होवे, देखना आज अल्लाह सोने सुन साढ़े दोए बच्चे कामयाब कर छोड़े। मैं ते आखना जितना भी उसकी जात ते शुक्र अदा कीता जुले थोड़ा है। हां तू ठीक आखना, अल्लाह सोने सोना सोने बच्चा भला सोना कामयाब कीता, आखरे ना मेहनत रंग लाई है ना, देखना फिर ए कितना मार खांदा रहा पर आखिर कामयाब हो ही गया, एक्टर बन गया, तुदा भी मुबारक हो। खैर मुबारक। बस अभी जी जिन्हां नाल मापू दियां दुआवां होंदियां ते नाले मेहनत कर दें खुदा उन्हां जरूर कामयाब कर दे। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी आओ मीरदाद, ओ क्या तन बड़े बडेरे भरा भरावां दे ते पुत्र मावां दे। सच्चा चाचा, सलाम वालेकुम।
चाची अपनी कौन बहन चाची करमदाद भ्रा मेरे पुत्रियो नहीं तुसा कोई गल करने योग तो ना साढ़े सामने असा कोलो जो कुछ साढ़े नाल इस तो पहले होए उस तो बाद हकी नहीं पुज तक गल करने पर सची दसे ते अजकल इस शुजात ते हथों बड़ा परेशान लाला इस जालम दे बच्चे सुन साड़ी सारी दौलत उरां परां कर छोड़ी है बल्कि तुसा सोहनी किदा सी इस नाजियां भी छोड़ दिता है उल्टा असा कार खाली कराने की धमकी भी दे गए ताया जी मैं तो लुटी पुटी गई हूं मां उस जालम ने सुन मारिया भी है ते नाले तलाक भी चाह दी हूं तो सवाए थे अपना कोई नहीं खुदा का वास्ता नहीं और पुरानी गल कोई भी ना करे ऊपर जाइए ते मियां दाद भरा कदे दौलत ते रिश्ते मुक्कन ते की होया खून दा रिश्ता ते अली बाकी है ना बाकी है चाचा तुसी फिकर ना करो अल्लाह दा करो में कुचहरिया में इतनी सहन जान है वे कि शुजात सारी जिंदगी बाहर ना निकल सके लेकिन चाचा उस वास्ते कोई सबूत भी दे चाहिए है वकील साहब सबूत दे दे साहब वलैत तू मेरा जमीर मोया नहीं सोते दिया जाग गया उस मां रुपया दी लालच दीती है तेरी बड़ी मेहरबानी बलैत तो मेरी सारा मसला हल कर सके तुसी फिक्र ना करो चाचा मैं उस बदमाश कुलो तुसा दे पैसे भी वापस दिलवासा ते तुसाड़ी जायदाद भी दिलवासा खुश रहो पुत्रा जींदा रहो अब चल बलैत चाचा तुम फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं असि तुसा नाल हां खुश ते नाजिया तू तो रोन टोन की कोई लोड़ नहीं तू बेफिक्र रह ठीक आखिया भरा मेरा जात तू फिक्र ना कर खुश रखिए तू तो फिक्र करने की बिल्कुल लोड़ नहीं तेरा ताया हाले जींदा जींदा तेरा ताया ओए सिकंदरिया बाहर निकल आई नाले मैं तो चौबी घंटे का अल्टीमेटम दिताया हले तक मकान खाली नहीं किते शुजात अली खान हुण तेरी बदमाशी का वेला खत्म हो गया समझे ते ना ही मैं मकान खाली करना ते ना ही तुदा अपनी दौलत अजम करने देना बस थोड़ा जा सबर कर थोड़ा जा ओए संगियो बाहर कटो इना तो समान बस अगे कोई भी ना आवे कोई भी अगे आया ना चंगा ना उसे बस थोड़ा जा इंतजार करो फिर दे शुजात खान कि तेरे नाल हुंदा की है मुबारक होवी बच्चा तो तू जालम को साड़ी जान छुड़ाई है ते उस को असां दी मकान भी ते नाल असां दे पैसे भी दवाए अल्लाह तुदा जिंदगी देवे अल्लाह दा खुश रखे चाची मैं किसी ते एहसान नहीं कीते ये सब कुछ मेरा अपना है मैं तेरा किस मुंह नाल शुक्रिया अदा करा साजिद
ये तेरा एहसान मैं सारी जिंदगी ना भुला दा। वो किसी सच आखे ना कि अपना अपना ते पराया पराया ही होंदा है साजन। ना सिकंदर तू ते मेरा प्राण है, ये कोई बाहर दा ते नहीं अपना काम है। यार सिकंदर अपने अपने ते पराए पराए होंदे। सिकंदर आज साजिद सोने साबित कर छोड़े कि अपने अपने ते पराए पराए होने। वाजिद मेरा भरा किसे साचिया है अपने अपने ते पराए पराए होने। ए गाले अपना अपना खून होंदा है ते पराया पराया ही खून होंदा है। देख के दी क्रीमो पैन के ओखी वेली अपने ही काम आन दिन साची किसी आख है अपने अपने ते पराए पराए होने। भैया बड़े अरसे बाद एक जाई बैठ के रोटी खाई, बड़ा मजा आया। बड़े तेरा दिल भी बूम बढ़िया हो पर साजिद असा दिलों के माफ कर छोड़ी। और निकबख्ता बड़े बडेरे के आखते भरा भरावां दे ते पुत्र मावां दे तू भुले रहे हैं। मैं ना अब छोड़ो पुरानियां गल्लां ना कहन बैयो, हुण कोई अगे दी सोचो। ਪੈਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਣੇ ਜੁਲਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦਾ ਰੁਬਮ ਦਿਲ ਖਫਾ। ਸੱਚ ਆਖਣੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ इस दौर बिच कदी एजा ना लग जुली ते फिर बस ताई मेरे हालात ना छेड़ो। मां अपनी किस्मत का अंदाजा है, मैं जिस गला को डरनी आई हूं ओई ओई है। करमदाद लाला हूं यही अरमान खड़सा। ओ करीम जान पर जाइए, इतनी फिक्र करने दी तुदा कोई लोड़ नहीं ते नाले नाजी ते उदी कड़ी इतनी बड़ी उम्र हो गई है। करमदाद चाचा ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜੁਲਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ। ਬਸ ਧੀਏ ਬਸ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਮੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, तू टिकी रहे थे असि आवा ना तेरा ख्याल कर सा असि, तू बिल्कुल बेगम है। की अखते हो चाचा, जब माँ प्यो का घर अपना नहीं रहा, मेरा अपना घर मेरा अपना नहीं रहा, ते फिर एक आस कदो मेरा अपना सी? ताड़ा पैवे पैसे दी लालच ते आदमी किसी का ख्याल नहीं रहता। फिक्र ना करती है, सब ठीक हो जुलसी। अवा चाचा के ठीक हो जुलसी, एक बारी तलाक ता ना लग जुले ते फिर चलो मैं कोई सोचना, दो चार घर हैं मेरी नजरी विच, मेरे अल्लाह मंजूर होया ते किधरे ना किधरे घर चाली जुलसी इंशाअल्लाह। अब्बा जी अगर इजाजत होवे ते मैं एक। हां पुत्र बोल ना। अब्बा जी और कार देखने ते सोचने दी केड़ी जरूरत है, एक कार नहीं। क्यों बाजत? हां साजिद बाजी तुसी ठीक आखते हो, कदे तुसा सारे दी यही मर्जी है ते मां कोई एतराज नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मुबारक होवे पहले 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 पहले। वाह मेरे पुत्रो, तुसी अम्मी जी तालीम इंसान आ इंसानियत का एहतराम करना सिखांदी है, ते जिस गल दी मजहब इजाजत देवे ते उस पे देर करने दी केड़ी जरूरत है। क्यों बाजत? हां साजिद बाजी तो मेरे दिले दी गल कीती है। ए शाबाश है, खुश कीती। क्यों बा क्या? बिल्कुल ये तो बिल्कुल 100% गल सही है। ओ खुश कर लेते हो मेरे पुत्रियो, मजा आ गया, दिल ठंडा कर छोड़े, दिल ठंडा कीती। सच्चा है बाजी, अपना अपना ते पराया पराया ही होंदा। हां सिकंदर ए गल ते आई पर आज पता लगी। बिल्कुल। अच्छा मियां दार ए मसला ते हल हो गया, शुक्र है खुदा, ते बच्चियां दी इज्जत भी पूरी हो गई है। हुण लाई किस गलां दी? मैं तो आखना अगर कमी है मकाओ, फिक्र ना करो, पैसे मैं आप ला सा।
یہ خرچہ میں کرسا. اللہ خوش رکھے، اللہ دی امانت. اللہ دیوان، اللہ دیوان، اللہ دیوان. میری تھی